और देखिए, आज ही राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाया गया है विश्वास मत को लेकर। वहां पर आज बड़ा डेवलपमेंट रहने वाला है। लेकिन इस बीच राजधानी की सड़कों की हालत भी आप देख लीजिए क्या है। एक महीने से सरकार बाड़ों में बंद थी, अलग अलग खेमों में। कोरोना काल में भी ऐसी परिस्थितियां कि जब सरकार को जमीन पर रहकर काम करना चाहिए तो सरकार 5-स्टार होटल रिजॉर्ट में थी। और देखिए, सत्र की शुरुआत हो गई तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज स्थगित की जाती सत्र की यह शुरुआत हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा। हमारे संवाददाता शरद कुमार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, तो बहुत दिन से ये आर पार की लड़ाई चल रही है, आज जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज लगता है कि इस पूरे मामले में पटाक्षेप किया जाएगा। मीनाक्षी, पहले तो मैं एक दृश्य दिखा दूंगा कि किस तरह से फेयरमाउंट होटल से बस अभी आ ही रही है। एक और बस आई है विधायकों को लेकर। और बड़ी खबर बता दूं कि बीजेपी ने तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा अभी तक, लेकिन कांग्रेस के तरफ से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव सदन की पटल पे रख दिया है। इंतजार किया जा रहा था, भारी बारिश की वजह से ये जो कांग्रेस की बस है वो फंस गई थी पानी में, और जिसकी वजह से विधानसभा में ये आ नहीं पाए थे। हालांकि व्हिप जारी किया गया था, इनका मन था कि 11 बजे शुरू होते हैं, विश्वास मत हासिल कर लेंगे प्रस्ताव रख के। लेकिन चूंकि ये जो बस आ रही है आपको दिखाई दे रही है, ये विधायकों को लेकर फेरमाउंट से निकली थी और भारी बारिश की वजह से फंस गई थी, अब जाकर यहाँ पर पहुंची है विधानसभा में। एक बस पहले आ चुकी है। विश्वास मत हासिल करने के लिए अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रख दिया है, और ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है मीनाक्षी, क्योंकि अब जब एक साथ सारे विधायक मिल गए थे तो अब सवाल नहीं उठता था कि सरकार अल्पमत में है। लेकिन लगता है अशोक गहलोत चाहते हैं कि 6 महीने तक कम से कम निश्चिंत तो हो जाए एक बार विश्वास मत हासिल करके। इसी वजह से ये विश्वास मत हासिल किया गया। हालांकि कल रात को जब जारी किया गया था एजेंडा उसमें नहीं था, लेकिन सुबह सरकारी मुख्य सचेतक ने विश्वास मत रखने का जो है प्रस्ताव रखा है। अब कुल मिला के बीजेपी की तरफ से देखिए शरद, खबर भी आ गई है 1 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है, 1 बजे तक के लिए। शरद जी बिल्कुल, ये जो विधायक हैं, एक बस आई है, एक बस अभी पहुंचने वाली है और एक बस फंसी हुई है। तो इस हालात में जो विधायकों को विधानसभा में पहुंचना था, जैसा कि मीनाक्षी आप दिखा रही थी तस्वीरें कि किस तरह से जयपुर में बाढ़ के हालात जैसे हो गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, उसी में ये बसें फंसी हुई थी। तो विधायक कांग्रेस के फेयरमाउंट होटल से विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, इसीलिए इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं भारी बारिश की वजह से। अब एक एक करके 4 बसें हैं, एक बस पहले पहुंच चुकी है, एक बस अभी आई है जो आप देख रही हैं। तो इस तरह से एक साथ जब विधायक यहां पर आ जाएं सारे, उसके बाद ही विधानसभा में अशोक गहलोत अपना विश्वास मत हासिल करेंगे, प्रस्ताव रख दिए हैं। शरद, आप बने रहे हमारे साथ, तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि जिस विधानसभा सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई थी उस पर अब बारिश का काला साया मंडरा रहा है। जैसा कि शरद जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों से भरी एक बस तो पहुंच चुकी है, एक पहुंचने वाली है और एक कहीं फंसी हुई है। ऐसे में अब 1 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आज विश्वास मत हासिल करने का कांग्रेस का दावा है और इसी को लेकर कई डेवलपमेंट्स आज विधानसभा सत्र में माना जा रहा है कि हो सकते हैं। लेकिन जयपुर इस वक्त बारिश की मार से जूझ रही है। वहां पर तमाम जो जयपुर के इलाके हैं जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। जयपुर एक तरीके से जलपुर में तब्दील हो गया है मीनाक्षी। बिल्कुल, और लेकिन अब देखना यह है कि 1 बजे अब जब विधानसभा सत्र की एक बार फिर से शुरुआत होगी तो उस समय अब किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ती है। शरद, आप जो क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आज सदन है, आज सभी चीजें अंदर से होगी इसलिए आगे विधान चलो जाइए, लेट हो गए इसलिए। तो ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पूर्ण रूप से। क्या कहेंगे जिस तरह 9 जुलाई को एसओजी की एफआईआर में नाम आया आपका, लेकिन सच की जीत हुई? भैया सर, ये फर्जीवाड़ा का काम है और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो बिल्कुल ये करेंगे, बात करेंगे,
तमाम विधायक यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक करते ये विधायक अब यहाँ से विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए और एक्सक्लूसिव आप देख सकते हो तो देखिए जैसे विधायक बस से उतर रहे हैं अंदर दाखिल हो रहे हैं तो मीडिया उनसे बात करने की कोशिश। शेर देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, 15 अगस्त का दिन कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा। एक तरह से विधायकों को भी एक आजादी मिल रही है, रिजॉर्ट से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, वरना अब तक बाड़ों में ही बंद थे। ये बदली हुई तस्वीर कैसे होगी? आपके साथ में देख रही हूँ कि विधायक भी मौजूद है, बात करें। बहुत लेट हो गया रूपाराम जी विधानसभा पहुंचने में। हाँ, थोड़ा सा बीच में वर्षा थी, थोड़ा सा विलंब हुआ, विधानसभा स्थगित करना पड़ा 1 बजे के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हो गए थोड़े बारिश है ना। 15 अगस्त से पहले आप लोगों को आजादी मिल गई? हाँ नहीं, आजादी थे हम तो। देखो वन मंत्री सुखराम बिश्नोई जी हैं। बरसात लेकर आए, बरसात हो गए आप लोग, बरसात लेकर आए, बरसात बरसात लेकर आए कह रहे हैं। देखा जा सकता है विधायक एक करके उतर रहे हैं यहाँ पर। 15 अगस्त से पहले आजादी मिल गई आप लोगों को? आज आजादी आजादी है हम तो। इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है, कहाँ बस फंस गई थी क्या? नहीं हंसी नहीं, पर बारिश की वजह से समय लगा है। बरसात नागर जी, बरसात मत रख दिया गया है विधानसभा में। देखिए कांग्रेस हाईकमान जाने, मुख्यमंत्री जी जाने, हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और उनके डायरेक्शन का पालन कर रहे हैं। तो 15 अगस्त से पहले आप लोगों को आजादी मिल गई आज? नहीं, हम तो पहले से ही सब फ्री थे, सबके फोन खुले थे, कॉन्स्टेंसी का काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो ये प्रयास हुआ, ये एक सराहनीय कदम रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।